नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में हम आज बात कर रहे हैं अग्निपथ को, जिसको लेकर जगह जगह देश भर में बवाल की चिंगारी इस वक्त देखने को मिल रही है और देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं कहीं तो इतना ज्यादा इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि स्थितियां संभालना प्रशासन के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। हालांकि इसके बाद लगातार जो अनाउंसमेंट है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। आपको बता दें कि इसको लेकर तीनों सेना प्रमुखों की आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है जरा आपको पहले सुनाते हैं। ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टी टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टी टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक CDS का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है, 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। पहले हमको ये समझना है ये 17.5 साल से 21 साल, जो पहले साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया तो 23 साल, ये निकलेगा कौन सी उम्र में? इसकी कम से कम उम्र होगी 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल। आप में से बताइए कि 27 साल या 25 साल की उम्र में कितनों को जॉब्स लग गई थी? आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट आपको मालूम है कि 25 साल के अंदर आपकी जॉब कहां थी कहां नहीं थी। कमिंग बैक, आप 10वीं क्लास पास हैं जब आप हमारे साथ आए, 70% से लेकर 60% तक 10वीं क्लास पास होंगे। क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तरह यहाँ पे क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसे नहीं है। आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कि जो अग्निपथ स्कीम है ये क्या चाहती है? ये चाहती है कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो एक यूथफुल प्रोफाइल के साथ, एक युवा चेहरा के साथ आगे आए। और ये केवल हिंदुस्तान के नहीं, ये पूरे विश्व के हर देश के आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है कि समय के साथ जब डेमोग्राफी बदलती है, जब जरूरतें बदलती है, तो किस प्रकार से एक यूथफुल आर्मी उस कंट्री में बने। उस देश के नेता, उस देश की आर्मी इसकी चिंता करती है। आज आप सबने सुना कि लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि यह कोई चिंता आज का नहीं है, दिस इश्यू वेंट बैक टू 1989। तो जिस तरीके से जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे उसके बाद कई ऐलान हुए, लेकिन सवाल यह है क्या ये ऐलान काफी हैं? क्योंकि जगह जगह पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। हालांकि ये हिंसक प्रदर्शन प्रदर्शन का सही तरीका नहीं और ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को भी दर्शाते हैं। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके, एक पूरा पैनल जुड़ चुका है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ केसी जैन जी हैं, बीजेपी नेता, स्वागत है आपका। हमारे साथ समीर जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। सैयद मोहम्मद तकी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी जी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत केसी जी आप ही से इस चर्चा की करूंगी। केसी जी, जिस तरीके से ये पूरी स्कीम आप लोग लेकर आए हैं, उसके बाद विरोध और तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, विरोध चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, कुछ ऐलान आपने किए हैं, क्या लगता है ये काफी है? देखिए स्वाति जी, पहली बात तो ये कि आज तीनों सेनाओं के प्रमुख सामने आकर के
उन्होंने जो कन्फ्यूज़न था उसको क्लियर किया है और आप तमाम सारे पत्रकारों का उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया है पीसी की। देखिए ये बहुत लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी सेना में, और ये कोई मोदी जी का प्लान बनाया हुआ या राजनाथ सिंह जी का या अमित शाह जी का प्लान बनाया हुआ नहीं है। ये सेना की ज़रूरत थी और सेना अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को तैयार करके वो सरकार को भेजती है। तो ऐसे में तीनों सेनाओं के प्रमुख ने बातचीत करके, और जैसा कि पीसी बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सेना के प्रमुखों ने कि ये 89 से ये चीज़ इसका विचार चल रहा था कि सेना में जो यूथ है तो उसमें उसकी एज कम से कम हो, और जो अभी अप्रॉक्सीमेटली एज जो 32 और 34 और 36 साल जो एज है उस औसत आयु जो है उसको घटा करके हम 25-26 साल पे ला सकें। और जो सबसे बड़ी समस्या थी कि हमको मौका नहीं मिल रहा है, तो अभी जो पहली बार का जो रिक्रूटमेंट इसमें हो रहा है और जो पहली भर्तियां हो रही इसमें, तो इसके लिए 5 साल की छूट दी गई है, तो 26 साल तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। और ये भी स्पष्ट किया सेना प्रमुख ने, पुरी जी ने भी, कि जिन जो सीमाओं पर जो तैनात होंगे उनकी सारी की सारी वही सुविधाएं मिलेंगी जो एक सैनिक को मिलती हैं। तो जिस तरीके से लोग गुमराह कर रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि पीछे से धक्का इनको कौन दे रहा है, सिर्फ 4 साल के लिए। हाँ नहीं, 4 साल के लिए है, लेकिन आगे के लिए उनके लिए क्या सुविधा है इस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जिस प्रकार से 10% उनके लिए कोटा फिक्स किया गया, संशोधन भी कर दिए, ये क्या सर दर्शाते हैं? सवाल ये है कि क्या योजना बनाते समय आपने इन बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा, और जब विरोध हुआ तो आपने संशोधन कर दिया। जहां तक संशोधन की बात है स्वाति जी देखिए, जहां तक संशोधन की बात है तो हमने कई सारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं वो कई दिनों से, मैं भी डिबेट में भी बैठ रहा हूँ और उनको मैं टीवी चैनलों पर सुन भी रहा हूँ, कई सारे कर्नल्स के जो है इंटरव्यू भी आए हैं, तो उसमें उन्होंने भी कहा है कि देखिए इसमें चीज़ें चेंज होती हैं, समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। और अभी जो 12 लाख रुपए देने की बात हो रही है, 11.5-12 लाख, जब वो जो है जो 25% लोगों को फिक्स किया जाएगा, 75% जो अन्य क्षेत्रों में बाद में जाएंगे, तो उनके लिए भी कहा है कि अभी आप जो पैसे की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कि 12 लाख ही रहे, अभी सरकार की घोषणा है, हो सकता है सरकार इसको आगे बढ़ा करके 20 लाख तक ले जाए। ये लेकिन युवा अपने भविष्य को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं? युवाओं को क्यों नहीं समझा पा रही आपकी सरकार? स्वाति जी, क्यों युवा विरोध कर रहे हैं? देखिए स्वाति जी, जो चेंजिंग जो भी होगी उनके लाभ के लिए होगी, ऐसा नहीं कि 4 साल की सेवाएं 3 साल के लिए कर दी जाए या 12 लाख रुपए से उसको घटा के 10 लाख कर दिया जाए। चेंजिंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी, 12 लाख से 20 लाख तो पहुंच सकता है, 4 साल से सेवाएं और आगे बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको और कम किया जाए, जो उनकी लाभ की चीजें हैं उसमें उन चीजों को कम किया जाए, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर जो चेंजिंग होगी वो उनके लाभ के लिए होगी, और चेंजिंग आगे होती रहती है। ये कई सारे सेना प्रमुखों ने भी इसको स्पष्ट किया, और जो रिटायर्ड कर्नल हैं, जनरल हैं, उन्होंने भी कई सारे इंटरव्यूज में बात कही है, तो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इनको भ्रमित कौन कर रहा है, क्योंकि जो जिनके खिलाफ बाय द वे FIR दर्ज होती है, या वो पत्थरबाजी में आते हैं, या उनका नाम स्पष्ट होता है कि ये ट्रेन जला रहे हैं, तो ऐसे अनुशासन ही लोग सेना में कैसे भर्ती होंगे? तो इस बात को सेना प्रमुख पुरी जी ने भी कहा कि हम एफिडेविट लेंगे कि आप इन चीजों में शामिल नहीं थे। फिर जो लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उनका भविष्य तो जो पीछे से इनको धक्का दे के भेज रहे हैं वो तो इनका भविष्य खराब कर रहे हैं ना, इनके भविष्य के साथ कहां खड़े हैं ये लोग? ठीक है, जयेश सोढ़ी जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस पैनल में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका सर। सोढ़ी जी ये बताइए कि इसकी कितनी जरूरत थी? जयेल स्वाति जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना के 3 सीनियर अफसरों ने ली, ये बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि जो भी भ्रम फैलाया जा रहा था आज सारी बातों की पुष्टि हो गई। जनरल पुरी ने ये बिल्कुल साफ बताया कि जो ये योजना थी ऐसी योजना 1989 से इसके ऊपर काम चल रहा था, और पिछले 2 साल में काफी स्पीड पकड़ी और तब ये योजना निकली। स्वाति जी, ये जो अग्निपथ योजना है ये आजादी से लेके हमारे 75 साल में भारत का सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। सबसे बड़ा रक्षा सुधार इसलिए है क्योंकि इस सुधार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर जवान, सेलर और एयरमैन पे प्रभाव पड़ेगा।
इससे हमारे देश का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसमें इजाफा आएगा, क्योंकि हमें एक यंग प्रोफाइल मिलेगी जवानों में, और तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया बचेगा पेंशन की वजह से, जो कि सेना की आधुनिकीकरण और नई टेक्नोलॉजी खरीदने के काम आएगा। ये युवा के लिए भी ये जो स्कीम है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि युवा को एक कम उम्र में फौज की नौकरी करने का सौभाग्य मिलेगा। जो 75% आगे स्थायी सेवा में नहीं सिलेक्ट होंगे, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे पैरामिलिट्री फोर्सेस या अलग अलग जगह पे उन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा अग्निवीर है जो बिल्कुल ही कोई नौकरी नहीं करना चाहता 4 साल के बाद, क्योंकि हर अग्निवीर को तकरीबन 12 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकता है। ये जो योजना है ये राष्ट्र हित, युवा हित और समाज हित के लिए बहुत ही अच्छी योजना है ये। ठीक है, इस पर सर जो युवा इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि योजना की जो सेवा शर्तें हैं वो उनके अधिकारों का हनन है, जरा बताइए कि कैसे। स्वाति जी, हमें एक चीज समझनी होगी कि ये जो योजना निकली है इसमें सरकार ने देश हित और युवा हित दोनों का ध्यान रखा है, लेकिन हमेशा देश हित ऊपर आता है। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब हम कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लड़ते हैं फौजी, जब गोलियां चलती हैं, हमें पता होता है वो गोली जो चली है वो हमें मार सकती है, हमारे सामने हमारा देश हित आता है। हमारे कई फौजी भाई अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं देश हित के लिए। हमेशा जब भी कोई काम किया जाता है सबसे ऊपर देश हित होता है, देश हित के बाद किसी का हित होता है। जो ये युवाओं में भ्रम है कि हमें लंबे टाइम के लिए नौकरी नहीं मिल रही है फौज में, उनको ये समझना होगा कि ये जो योजना है ये राष्ट्र हित के लिए, क्योंकि जो कम उम्र का जवान होगा उसकी परफॉर्मेंस युद्ध में या इंसर्जेंसी में अच्छी होगी, और सेवा की रिक्वायरमेंट और सेना की रिक्वायरमेंट है कि एक यंगर एज प्रोफाइल हो जिससे कि हमारे लड़ने की क्षमता में इजाफा आए। ठीक है, इस पर समीर जी आपका क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि लगातार इसको लेकर विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि भाई 4 साल का क्या मायना। स्वाति जी, मैं 2-3 पहलू पे बात करना चाह रहा था, लेकिन अभी जो मैंने वक्तव्य सुने प्रवक्ताओं के और कर्नल साहब के भी, और इससे पहले जो आपने अभी लेफ्टिनेंट जनरल जी की अभी आपने जो प्रेस चलाई थी, उसमें 2-3 ऐसे बिंदु निकल के आ रहे हैं जिसपे मुझे लगता है कि मुझे पहले ही बात कर लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है, जो कि दुखद है, कि जिस तरीके से हमारे देश में आज विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस लेवल के प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको शांत करने के लिए तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, उल्टा उसको विपक्ष से जोड़ने का काम करा जा रहा है कि विपक्ष गुमराह कर रहे हैं। और ये सिर्फ अभी जो प्रवक्ता हैं केसी जैन जी, इन्होंने ही नहीं बोला कि धकेला जा रहा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री भरोसा करें और विपक्ष गुमराह कर रहा है युवाओं को। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है कि एक तो विपक्ष के ऊपर निशाना साधा जा रहा है इस मुद्दे पे, और दूसरी बात है कि इनसे कुछ इसका निवारण तो निकल नहीं रहा। और रही बात कि ये बातें हो रही हैं कि बहुत क्लैरिफिकेशन हो गई है, बहुत सारे बिंदु क्लियर हो गए हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इतनी ही सौभाग्यपूर्ण डिसीजन है ये, तो वो जनता को समझ में क्यों नहीं आ रहा, युवाओं को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, और जो अग्निवीर जिनको बनाने की कोशिश है जब उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा, तो ये किस प्रकार से सौभाग्यपूर्ण है और किस प्रकार से इसको आगे ले जाएगी सेना और ये केंद्र सरकार। दूसरी बात, जिस तरीके से एक तीन तीन बिंदु हैं जिनके ऊपर इसको पूरा बोला जा रहा है, एक आपका हो गया कि यूथफुल अप्रोच है कि आर्मी का यूथफुल क्वेश्चन बढ़ाया जा रहा है, एक यंगर प्रोफाइल बनाई जा रही है, दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एस्पेक्ट दलीलों में दिया जा रहा है, और तीसरा है कि वेस्ट के कॉन्सेप्ट को कॉपी करने की बात हो रही है, कई देशों में लागू है जी। तो पहली बात तो ये है कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज को जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उससे एग्जाम्पल देना बहुत गलत है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले जब हम उनका एग्जाम्पल देते हैं तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनके वहां जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो हमारे देश में नहीं है। और किसी भी एक विकासशील देश को
एक विकासशील देश की प्रक्रिया को एक विकसित देश की प्रक्रिया से कंपेयर करना बहुत गलत है। अगर आप यूएस में ही देखें तो वहाँ के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, उसके बाद जो वहाँ से रिलीफ होते हैं, तब उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि बहुत हैंडसम पैकेजेस देती हैं उनको। तो अब ये कहना कि नहीं यहाँ पे भी वही होगा, ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है इससे पहले भी कि यहाँ पे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनको किस तरह की नौकरी मिलेंगी। और इससे ज़्यादा हास्यास्पद ये है कि कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार के ऐलाने आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने ऐलान किया है कि 10% हमारे वहाँ इनको प्राथमिकता दी जाएगी। एग्जाम्स ये करा नहीं पा रहे हैं, भर्ती ये करा नहीं पा रहे हैं, और जो अग्निवीर आएंगे उनको प्रायोरिटी तो तब देंगे ना जब एग्जाम होंगे, जब भर्तियां होंगी। हमारा जो सिस्टम है वही सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको पहले से ही, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये युवा इतने आक्रोशित क्यों हैं, युवा बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। बात समझने लायक होगी तो समझेंगे ना, जब उनके हित के अगेंस्ट जब बात हो रही है तो आप कैसे उनको समझा सकते हैं या कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो समझे। उनकी पूरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, उनका पूरा करियर दांव पे लगा है, और जो भी ये विद्यार्थी हैं या जो भी एस्पायरेंट्स हैं ये एकदम से नहीं पैदा हुए हैं। ये जैसे कई डिबेटों में बात हुई है और जो हमने प्रैक्टिकली देखा भी है कि ये कई सालों की प्रक्रिया है, स्कूल में 5वीं 6वीं दर्जी से ही स्टार्ट हो जाते हैं जिन लोगों को पूरे, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां से भारी मात्रा में भर्ती होती है, वहां पे आप देखिए सुबह 4 बजे लोग उठ के दौड़ लगा रहे होते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बहुत समय जाहिर होता है इसमें, बहुत वक्त लगता है। उसके बाद जब आप इस तरह की योजनाएं लेके आते हैं और कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, और तो इस लाजमी है कि आक्रोश होगा। अब वो आक्रोश हिंसा में बदल गया वो गलत है, हिंसा करना गलत है, लेकिन आपने युवाओं के सामने, आपने इन एस्पायरेंट्स के सामने ऑप्शन छोड़ा क्या है, रास्ता क्या छोड़ा है आपने, वो करें क्या। कहा जा रहा है कि उनको आश्वासन दिया जा रहा है, अरे अगर आप आश्वासन दे रहे हैं तो फिर आप उनको गारंटी दीजिए, या तो आश्वासन के भरोसे कब तक अपनी जिंदगी दांव पे लगाएगा युवा। ठीक है सर, तकी जी वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद आपको कई जगहों पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चीजें आपको मिलेंगी, आप नाराज मत होइए और हम आपको देंगे नौकरियां, लेकिन सवाल यह है कि गारंटी कौन देगा सर इस बात की। देखिए स्वाति जी, जब किसी चीज के लिए बहुत समझाना पड़े और बहुत जोर लगाना पड़े, बड़ी कोशिश करना पड़े, इसका मतलब ये वो चीजें जो हैं सरकार की जिम्मेदारी थी उसको स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखना, वो सरकार करने में नाकाम हो गई है। फर्स्ट एफर्ट में सरकार नाकाम हो गई है इस योजना को युवाओं को समझाने के लिए, सरकार को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसीलिए लगातार वो जोर लगा रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, उनके अलग अलग चैनल्स पे उनके जो आम आदमी पर उसके बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं वो अपनी तरह से लोगों को रिझा रहे हैं, समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आज सेना ने भी कॉन्फ्रेंस करी इसको समझाने के लिए। लगातार ये बातें की जा रही हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार जो है इसको, पहली बार में इस बात को युवाओं तक पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही कि सेना के शौर्य से जुड़ा मामला है, सेना के सम्मान का मामला है। अगर कोई हमारा सैनिक हमारे साथ 4 साल जुड़ के वो हमारी सेना से बाहर जाता है तो उसके सम्मान की सुरक्षा, भले ही वो हमसे अलग है लेकिन वो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसके सम्मान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सेना की है। और सेना को रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए कि ऐसे नागरिकों को, ऐसे सैनिकों को हम कैसे रिहैबिलिट करेंगे। तीसरी बात, जो उम्र दिखाई गई है 17 साल है, उसके बाद वो किस साल में अगर वो करेंगे तो रिटायर हो जाएंगे, उनके आगे पूरा जीवन पड़ा हुआ है, उस जीवन को कैसे गुजारेंगे, कहाँ उनको रखा जाएगा। आज विजय वर्गीय साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि हम प्रेफर करेंगे ऐसे लोगों को बीजेपी दफ्तर के अंदर जो है सिक्योरिटी दी जाए। तो क्या हम इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बीजेपी के अंदर दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए, बना रहे हैं इनको? इस तरह का बयान जो बीजेपी के लोग दे रहे हैं गैर जिम्मेदारा बयान, ये आग को और भड़का रहे हैं, ये आग को और बड़ा कर रहे हैं, खुद ही नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं लोगों को, सही से बात को देख पा रहे हैं। और हमें देखना चाहिए कि जो बाहर फॉरन के लोगों की बात की जा रही है। और हमारे साथ सोढ़ी जी लगे बने हुए हैं चर्चा में लगातार। सोढ़ी जी, सवाल ये भी है कि 4 साल के बाद जब जो सैनिक हैं रिटायर्ड होंगे, उसके बाद सवाल ये भी है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्योंकि जब उन्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी कहीं पर, तो फिर सवाल ये भी है कि उनकी मानसिक स्थिति भी, उस पर भी सवाल उठेंगे। सोती जी, आपका प्रश्न बहुत सही है, और ये 4 साल के बाद नहीं, ये 3 साल के बाद हर अग्निवीर के दिल के अंदर आएगा कि मेरा 1 साल के बाद क्या होगा, अगर मेरा चयन उन 25% में नहीं हुआ तो मेरा 1 साल के बाद क्या होगा, ये जो प्रश्न उसके तीसरे साल से ही आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि सेना में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीजीआर, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, जिसका काम होता है जो भी सैनिक रिटायर होता है, चाहे ऑफिसर हो, जेसीओ हो या जवान हो, सबको रीसेटल वो करने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस स्कीम से डीजीआर के ऊपर एक बहुत बड़ा महत्व आ जाएगा, क्योंकि अब डीजीआर को हर जवान को सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो भी जवान चार साल के लिए ज्वाइन कर रहा है उसको आश्वासन मिल रहा है कि हम आपको कहीं ना कहीं पे सेटल करेंगे। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगर ये 14 जून को ही हो जाती तो जो लोगों में जो भ्रम है या जो आक्रोश है वो होता नहीं, वो इस बात को समझ पाते। हालांकि हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर युवा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हिंसा फौरन बंद कर दे, क्योंकि किसी नागरिक को देश की संपत्ति और छवि को तोड़ने और खराब करने का हक नहीं है। जो 75% हैं लोग वो बाहर चले जाएंगे और 25% लोग ही रह पाएंगे। सवाल ये है कि कितने लोगों को उनमें से जॉब मिलेगी, कौन उन्हें हायर करेगा, और सवाल ये भी है कि क्या कोई अश्योरेंस है, कोई गारंटी है इस बात की कि उन्हें जॉब मिलेगा ही मिलेगा। जी, जो ये डाउट आया पिछले 4-5 दिन में, वो डाउट यही था कि कोई गारंटी नहीं थी, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी। अब 2 दिन से गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने बोला हम 10% लोगों को यहां लेंगे वहां लेंगे। अगर ये चीज पहले दिन क्लियर होती तो ये जो लोगों में डाउट था, ये भ्रम था, ये नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि अब आने वाले वक्त में, क्योंकि अब ये क्लियर है कि ये स्कीम के थ्रू ही भारतीय सेना एयरफोर्स नेवी में रिक्रूटमेंट होगी, अब इस चीज को स्ट्रीमलाइन किया जाए और ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज क्लियर किया जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितने अग्निवीर को रखेगी। और मेरा एक और सुझाव है आपकी तरफ, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो कॉरपोरेट घर हैं जो अग्निवीर को रखना चाहते हैं, उनको कोई इनकम टैक्स पे कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए कि वो एक अग्निवीर को रख रहे हैं, जिससे कि वो भी अग्निवीरों को रखने में वो आगे आएंगे। ठीक है, तकी जी का कुछ सवाल है इस पर, वो शायद पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने विदेशी देशों का, दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया है, इसराइल एग्जाम्पल ले जा रहा है, और ऐसा हम देखा रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशिया ने जो है इस तरह से इस्तेमाल किया था इनको, अर्धट्रेन दलों को उसने यूज़ किया था, उसकी बहुत बड़ी ये खामियाजा जो है यूक्रेन वॉर में रशिया को भुगतना पड़ा है। और चाइना ने भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन चाइना का भी एक्सपीरियंस जो है ये बिल्कुल बहुत कामयाब नहीं रहा, और वो ऐसा उनको परेशानी सामने आई है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद हम कैसे इन लोगों को संवेदनशील जगहों पर रखेंगे, और 6 महीने में तो फुल वेपन्स ट्रेनिंग भी नहीं होती, फुल वेपन्स ट्रेनिंग लेने के लिए भी अच्छा खासा वक्त लगाना पड़ता है, 4 साल ले जाते हैं पूरे वेपन्स की ट्रेनिंग लेने के लिए आर्मी में। तो ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग में हम लोगों को सेना में ले रहे हैं और बॉर्डर्स पे रखेंगे, प्रिक्योर करेंगे, वो एज तो उनकी कम है, दूसरी बात क्या वो सही होगा, क्या वो रिस्क नहीं ले रहे हैं हम उनको रख के वहाँ पे। फिर दूसरी बात ये कि हम जब ऐसे कर्नल साहब ने कहा, वो बात मैं पहले भी कहना चाहता था कि आपने 25% लोगों को तो ले लिया, लेकिन 75% लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट हो गए, वही सवाल है, और उस वो रिजेक्टेड हो गए। मनोबल पर कितना असर पड़ेगा? स्वाति जी, मैं आप एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे मैं बाहर गया कुछ सामान लेने के लिए, मिसाल के तौर पर मैंने आम लेने के लिए ठेले पे गया, तो आम वाले से पूछा भाई आम क्या हिसाब, उसने कहा 50 रुपए किलो है, फिर उसी के ठेले पे बगल में आम रखे थे, मैंने कहा ये आम क्या है, कहना ये आम रिजेक्टेड है, तो जो रिजेक्टेड आम है क्या उनके वही प्राइस लगेंगे, वही उनको चीजें मिलेंगी जो सही लोग को मिल रही है, जो लोग जेट हो जाएंगे, और दूसरी जगह क्या उनको वही मेहनतनामा मिलेगा, वही भत्ता मिलेगा, वही सम्मान मिलेगा, और क्या जो आर्मी में काम कर चुके हैं 4 साल, जो उन्होंने वहां पे देखा है किस तरह से आर्मी फंक्शन करती है, उस एनवायरनमेंट से निकल गए दूसरे एनवायरनमेंट में, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और मेंटली सेट होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप अडेप्ट करते हैं किसी सिस्टम को साइकोलॉजिकली अगर देखें, और उसके बाद तो आप भूतपूर्व हो जाएंगे। तो 21 साल की उम्र में जहां मोराल सबसे हाई होता है आर्म फोर्सेस का, जो एकदम नौजवान जोशीले अमेरिका एनडीए के बाद जो लड़के निकलते हैं ऑफिसर बनते हैं, वो 21 साल के होते हैं, सबसे ज्यादा उनका मोराल इंजन लेवल हाई होता है, उसी में आप उनको रिटायर कर रहे हैं। फिर वो हाई स्कूल पास है, उनको और 5 साल लगेंगे ग्रेजुएशन करने में, 21 + 5 = 27 की एज में क्या आर्मी में और अलग जगह पे सिलेक्शन होने में उनको क्या पढ़ पाएंगे, सिलेक्शन हो पाएंगे? केसी जैन जी, योजना तो आप लोग ले आए, लेकिन इस पर बहुत विस्तृत चर्चा होने की जरूरत है, और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा कि पहले जैसी रेगुलर भर्ती अब नहीं होगी, लेकिन सवाल वही है, अभी भी आपने कंफ्यूजन दूर नहीं की है युवाओं की।
इतनी जल्दबाजी क्या थी सर इसको लेकर? देखिए स्वाति जी, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए काफ़ी कुछ सवालों के जवाब सोडी साहब ने दिए हैं और मैं आपको बता दूँ, तीन चार चीज़ें इससे बता दूँ जो अभी हमारे अन्य साथी जो सवाल उठा रहे थे, वो चाहे सपा के हों या अन्य दल के हों। तो देखिए पहली बात तो ये कि जैसे पहले 10,000 लोगों की भर्तियां होती थी, तो अगर हम 10,000 लोगों की ही भर्तियां करें, 40,000 के बजाय हम 10,000 के 30,000 जो सेलेक्ट नहीं होंगे इनका क्या होगा? चलिए 10,000 को परमानेंट पहले से कर लें, हम 30,000 की ना करें कि ठीक है हम 25% ही लेंगे और 25% को रेगुलर रखेंगे, यानी 10,000 भर्ती करेंगे, तब ये 30,000 क्या होंगे? और दूसरी बात, जो ये जो बात हो रही है कि इंटर करते, बीए करते, एमए करते, पीएचडी करते, कितने लोगों को इंटर करने के बाद में, हाई स्कूल करने के बाद, इंटर करने के बाद, बीए करने के बाद जॉब मिल जाती है? ऐसे में ये तो एक तरीके से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है इनकी, और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के साथ साथ उसका पूरा पैसा भी मिल रहा है, और जो जो रिलीज हो रहे हैं उनको 12 लाख रुपए अतिरिक्त मिल रहा है। फिर सरकार ने स्पष्ट किया है, तीनों सेना के प्रमुखों ने स्पष्ट किया है, केवल ऐसा नहीं कि 10% वो जो उनका जो 10% कोटा होगा या 10% जो रिजर्वेशन होगा, और अभी तो 2-3 क्षेत्रों के मैं बहुत बात सुन चुका हूँ, 12 लाख सुन रहा हूँ। स्वाति जी मेरी बात आ जाए, उस पर इतना बवाल क्यों हो रहा? मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ जाए, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए सेना में जो भर्ती होने के लिए जाते हैं उनमें से जो पहले से छटनी हो जाते हैं उनका क्या होता है? फिर एक चीज, करीब 18,000 सैनिक जो पहले से सेना में हैं वो स्वयं रिटायरमेंट ले रहे हैं अपनी सेवा काल पूर्ण होने से पहले। उनके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है कि आप सेवा छोड़ रहे हैं उसके बाद में क्या करेंगे। 15 साल उनको सेवा देनी थी, 10 साल में वो रिलीज हो रहे हैं। जिनको 20 साल सेवा दी, 15 साल में रिलीज हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 5 साल पहले जो रिलीज हो रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं सेना को और सेल्फ रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनका क्या होगा? बहुत ऐसे भी लोग हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं। फिर आप जवाब सुन लीजिए, जवाब 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 सुन लीजिए, ठीक है? जवाब क्या पर लेना होगा? ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा लगा सर, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी आपसे लगातार हम बातचीत करेंगे इस पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे।